इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। ग्वालियर के सिंधिया राज परिवार का नाम भारत में आज भी काफी प्रसिद्ध है। इसका कारण ये है कि ये एकमात्र ऐसा परिवार है जो 250 सालों से उत्तर भारत की राजनीति में सक्रिय रहा है। पानीपत की तीसरी लड़ाई हो, 1857 का गदर या स्वतंत्र भारत का इमरजेंसी काल, सिंधिया परिवार ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। भारत में हिंदुत्ववादी विचारधारा के प्रसार में भी सिंधिया परिवार का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आइए जानते हैं सिंधिया परिवार की कहानी। ग्वालियर का सिंधिया परिवार बहुत ही खास है बिकॉज भारत में 1947 में जितने भी अराउंड 200-300 राजघराने थे, उनमें से आई थिंक आज वो सबसे पावरफुल घराना है। और आज भी जो परिवार के सदस्य हैं, जैसे कि वसुंधरा राजे सिंधिया, यशोधरा राजे सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो पॉलिटिक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सिंधिया परिवार की कहानी शुरू होती है सातारा के एक छोटे से गांव कान्हेर खेड़ में। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जो नाम है सिंधिया वो कहाँ से आता है। तो द सिंधियाज वर ओरिजिनली, उनका ओरिजिनल सरनेम था शिंदे, और जो ये सातारा रीजन है वहाँ पे काफ़ी शिंदे फैमिलीज रहती हैं एज पर फोकलोर। और जो फोकलोरिस्ट हैं आरसी ढेरे, उन्होंने लिखा है कि ये माना जाता है कि इतिहास में कभी कुछ लोग आए थे सिंध से और यहाँ सातारा में आकर बस गए थे, और उसी से उनका नाम, उन्हें शिंदे बुलाया जाने लगा, और फिर बाद में अंग्रेजों ने उनको सिंधिया बुलाया, तो इस तरह से शिंदे का नाम सिंधिया पड़ा। ये कहानी शुरू होती है मुगल बादशाह औरंगजेब के निधन के बाद सन 1707 में, जब पेशवा बाजीराव के अंडर मराठा साम्राज्य का विस्तार हो रहा था और मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था। तब राणोजी सिंधिया करके कान्हेर के गांव के पाटिल थे, जो मुखिया बोलते हैं जैसे, और वो पेशवा आर्मी में ज्वाइन हुए शिलेदार करके एज अ स्मॉल टाइम सोल्जर। और फिर वो, बट वो बहुत अच्छे वॉरियर थे, और बढ़ते 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 यू नो ही स्टार्टेड राइजिंग इन द रैंक्स ऑफ द मराठा आर्मी। जो पेशवा बाजीराव थे, उनका एक बहुत अच्छा गुण था कि वो लोगों की उनको अच्छी पहचान थी, और फिर उन्होंने राणोजी सिंधिया में पोटेंशियल देखा। 1720s में मराठों ने मालवा को कैप्चर किया, जो मुगल साम्राज्य का वन ऑफ द रिचेस्ट प्रोविंसेस हुआ करता था, और उसे कैप्चर करने में राणोजी सिंधिया का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो उसके बाद बाजीराव पेशवा ने क्या किया, मालवा को तीन हिस्सों में बांट दिया अपने तीन सबसे लॉयल सरदार्स के अंदर। 1/3 राणोजी सिंधिया को दिया गया, उन्होंने उज्जैन को अपना कैपिटल बनाया। 1/3 उन्होंने मल्हरराव होलकर को दिया, और उन्होंने महेश्वर पे अपना कैपिटल बनाया। और जो तीसरा पार्ट था वो उन्होंने पवार परिवार को दिया, जिन्होंने अपने ठिकाने देवास और धार में बनाए। तो इस तरह से जो सिंधिया फैमिली की पहली राजधानी थी वो थी उज्जैन। उसके बाद राणोजी सिंधिया का निधन हो गया, उनके बेटे थे दत्ता जी, जानको जी, बाहर जी एंड ऑल। अनफॉर्चुनेटली 1750s और 60s में यू नो अब्दाली के इन्वेजन्स और पानीपत की तीसरी लड़ाई में वो सारे बेटे मारे गए, और बचे सिर्फ महाजी सिंधिया। महाजी सिंधिया मौजूद थे पानीपत की तीसरी जंग में 1761 में सदाशिवराव भाऊ के साथ, और उस जंग में वो काफ़ी घायल हो गए थे और एक ऐसे डिच में गिरे थे, और उनकी तब जान बचाई थी राणी खान करके जो बिश्ती थे पानी देने वाला एक अफगान, उन्होंने उनकी जान बचाई थी। उस समय महाजी सिंधिया की उम्र काफ़ी कम थी, पर पानीपत की तीसरी लड़ाई का और जो डिस्ट्रक्शन उन्होंने देखा था उसका काफ़ी प्रभाव महाजी सिंधिया की ज़िंदगी पर पड़ा। उन्होंने अपनी फौज जो थी उसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में ट्रेन किया, उन्होंने फ्रेंच ऑफिसर्स को और जो यूरोपियन ऑफिसर्स थे उनको काम पे रखा, और उन्होंने बहुत ही मॉडर्न और ट्रेन ऑन द यूरोपियन लाइन्स ऐसी आर्मी बनाई।
जिसकी वजह से बाद में उन्होंने ऑलमोस्ट पूरे नॉर्थ इंडिया को डोमिनेट किया। इनफैक्ट इवन दिल्ली पर उनका कब्जा रहा, और उस टाइम पे मराठा एम्पायर में पानीपत की युद्ध एक दो दशक बाद दो ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे, वन वाज महादजी सिंधिया और वन वाज नाना फडणवीस। फ्रेंच ट्रेंड आर्मी के साथ महादजी सिंधिया ने ऑलमोस्ट पूरे उत्तर हिंदुस्तान, विच कंप्राइज्ड ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, लार्ज पार्ट्स ऑफ राजस्थान, हरियाणा और लार्ज पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न महाराष्ट्र, उस पर अपना साम्राज्य बनाया। और यहाँ तक कि जो बादशाह शाह आलम द सेकेंड है, मुगल बादशाह, उन्होंने उनको वकीले मुतालिक का टाइटल भी दिया था, एज यू नो लाइक द रीजेंट और द प्रोटेक्टर ऑफ द मुगल एम्पायर। तो महाजी सिंधिया का काफी प्रभाव था उस टाइम पे, और एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी जो 1800s की शुरुआत है, उस टाइम पर तो वो आई थिंक ही वाज द मोस्ट पावरफुल मैन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। उनके निधन के बाद दौलतराव सिंधिया बने गद्दी पर बैठे, बट यू नो व्हाइल महादजी सिंधिया एक क्रिएटर थे, दौलतराव सिंधिया वाज एन इनहेरिटर, और उन्होंने उनकी काफी झगड़े होने लगे होलकर्स के साथ, सिंधियास का उस टाइम पर बहुत झगड़ा हुआ, पेशवास के साथ उनका बहुत झगड़ा हुआ। तो ये आपसी झगड़ों का फायदा अंग्रेजों ने उठाया, और जो एंग्लो मराठा वॉर है, द बिगेस्ट ट्रेजेडी जो दौलतराव सिंधिया के साथ हुई वो कि वो बहुत शक्तिशाली थे, उनके पास काफी शक्ति थी, पर उनके खिलाफ जो जनरल थे जो ब्रिटिश आर्मी को कमांड कर रहे थे वो थे द ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, जिन्होंने नेपोलियन बोनापार्ट, आगे चल के नेपोलियन बोनापार्ट को हराया। तो बाय 1803 अंग्रेजों ने दिल्ली पर, आगरा पर कब्जा कर लिया, और सिंधिया की पावर काफी कम हुई, एंड इट बिकेम अ काइंड ऑफ अ प्रोटेक्टेड प्रिंसली स्टेट। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जब दिल्ली और आगरा सिंधियाज के अंडर था तो सिंधियाज ताजमहल को गेस्ट हाउस की तरह यूज करते थे और वहां पे रुकते थे एंड ऑल। तो ये एक फनी एनेक्डोट है सिंधिया परिवार का। उसके बाद दौलतराव सिंधिया 1827 में उनका निधन हुआ, और ब्रिटिश के साथ ग्वालियर स्टेट की ट्रीटीज हुई, एंड इट बिकेम अ काइंड ऑफ केम अंडर द ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट। 1857 के गदर में सिंधियास का रोल काफी चर्चा का विषय है आज भी। तो सच बात तो ये है कि उस समय के शासक महाराजा जयाजीराव सिंधिया जो गद्दी पर थे उनकी उम्र काफी कम थी, एंड जो राज कारभार है वो उनके दीवान दिनकर राव राजवाड़े चलाते थे। जब अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुआ उस समय सिंधियास फेंस पर बैठे थे, यू नो दे वर नेगोशिएटिंग विद द ब्रिटिश, they were negotiating with झांसी की रानी and नाना साहेब and all, but finally जब महाराजा जयाजी राव ने देखा कि अंग्रेजों का पलड़ा भारी हो रहा है, then he finally decided कि नहीं, हम अंग्रेजों को support करेंगे। In fact जब झांसी की रानी और तात्या तोपे और राव साहेब ग्वालियर आए, तब ग्वालियर की जनता ने सिंधियास के खिलाफ रानी के सपोर्ट में विद्रोह किया था, और जयाजीराव सिंधिया को भागना पड़ा था आगरा गद्दी छोड़कर, और फिर झांसी की रानी ग्वालियर में ही शहीद हुई, और फिर अंग्रेजों के सपोर्ट के साथ जयाजीराव सिंधिया फिर से राजा बने, और फिर सिंधिया का शासनकाल चला। जयाजीराव सिंधिया के बाद महाराजा माधवराव द फर्स्ट गद्दी पर बैठे, और एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कैसे महाराजा जयाजीराव ने ग्वालियर के किले में एक बहुत बड़ा खजाना छिपाया था, और उनको उसका राज खोलने से पहले ही उनका निधन हो गया, और कैसे महाराजा माधवराव को फिर एक ज्योतिषी ने बताया कि यहाँ पर किले में ये खजाना छिपा हुआ है, और अराउंड 1887 में उनको वो खजाना मिला। महाराजा माधवराव बहुत एक मॉडर्नाइजर थे एंड ऑल, और उन्होंने जो ग्वालियर के किले में वो जो बड़ा खजाना मिला जिसे गंगा जली कहा जाता था, एज पवित्र एज गंगा जल, उसे बॉम्बे में इन्वेस्ट करना शुरू किया, और इनफैक्ट टाटा स्टील, ही वाज वन ऑफ द बिगेस्ट फाइनेंसियर्स ऑफ टाटा स्टील,
उन्होंने काफ़ी इंडस्ट्रीज हैं जैसे कि वालचंद की सिंधिया शिपिंग कंपनी और बिरलाज और काफ़ी जो उस टाइम पे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, तो उन्होंने महाराजा माधवराव ने काफ़ी उसको प्रोत्साहन दिया। महाराजा माधवराव सिंधिया का निधन 1920s में हुआ और उसके बाद महाराजा जिवाजीराव सिंधिया राजगद्दी पर आए। उस टाइम पे एक इंटरेस्टिंग बात हुई कि जो हिंदू नेशनलिज्म है और जो हिंदुत्ववाद मूवमेंट है वो उसकी उसकी हवा काफ़ी देश में चल रही थी और जो उस टाइम पर भी जो सिंधिया परिवार है और जो ग्वालियर के सरदार्स हैं उन्होंने हिंदू महासभा और जो आरएसएस और जो ये ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें काफ़ी समर्थन दिया और काफ़ी सपोर्ट किया और इनफैक्ट बाय 1947 जो ग्वालियर रियासत है वो हिंदू महासभा का गढ़ माना जाता था। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तब महाराजा जिवाजीराव सिंधिया ने अपनी रियासत इंडियन गवर्नमेंट को विलीन कर ली और जो फर्स्ट इलेक्शंस हुए 1951 में तो जो ग्वालियर रीजन है वो बाकी पूरा इंडिया जो कांग्रेस की लहर में चला गया बट ग्वालियर वॉज स्टिल विथ द हिंदू महासभा और जो हिंदुत्ववादी पार्टीज हैं और इवन महाराजा जिवाजीराव सिंधिया उनकी पत्नी विजया राजे सिंधिया हिंदुत्व मूवमेंट को सपोर्ट करते रहे। फिर बाद में जवाहरलाल नेहरू और जो रूलिंग पावर्स हैं उनको लगा कि अगर हमें ये हिंदुत्ववादी पार्टीज का होल्ड तोड़ना है ग्वालियर गुना रीजन में तो हमें सिंधिया को कोऑप्ट करना पड़ेगा और उन पर प्रेशर डाला गया और इस तरह से विजया राजे सिंधिया पहले कांग्रेस में आई। तो वाइल विजया राजे सिंधिया ने कांग्रेस ज्वाइन किया वो हमेशा से एक हिंदुत्व और हिंदुत्ववादी हिंदू पार्टीज की सपोर्टर थी और उस समय क्या हुआ कि उनकी और जो डीपी मिश्रा है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उनकी काफ़ी सीटों को लेकर अपॉइंटमेंट्स को लेकर काफ़ी खींचातानी होती रहती थी। तो जिस तरह से अभी हुआ जब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में चले गए और उन्होंने कमलनाथ की कांग्रेस सरकार को गिराया उसी तरह से 1960s में विजया राजे सिंधिया ने भी कांग्रेस के खिलाफ विद्रोह किया था और अपनी एक कोएलिशन गवर्नमेंट बनाई थी और फिर वो ज़्यादा ज़्यादा साल चली नहीं फिर उसके बाद वो जनसंघ में चली गई और फिर विजया राजे सिंधिया जनसंघ की और फिर बाद में भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य थी। तो राजमाता विजया राजे सिंधिया की एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो ज़्यादा लोगों को पता नहीं है कि जनसंघ में आने के बाद इनफैक्ट 60s 70s 80s यहाँ तक कि 90s के दशक तक वो जो ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ बल्कि पूरे संघ परिवार की जैसे कि विश्व हिंदू परिषद उसकी सबसे बड़ी फाइनेंसियर थी और उन्होंने काफ़ी सिंधिया परिवार का पैसा संघ परिवार को बढ़ाने में लगाया और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना में भी उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। इनफैक्ट जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी हो या उमा भारती जी हो ये सब उनके प्रोडिजीज थे और उन वाजपेयी जी और उमा भारती जी के पॉलिटिकल करियर में विजय राजे सिंधिया का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। दूसरी तरफ उनके जो बेटे हैं माधवराव सिंधिया वो कांग्रेस में चले गए और उन्होंने कांग्रेस में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया और विजय राजे सिंधिया की जो बेटियां हैं वसुंधरा राजे और यशोधरा राजे उन्होंने बीजेपी में बहुत काम किया। तो इस तरह से 1720s से लेकर आज तक सिंधिया परिवार भारत की राजनीति में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा है। अभी आगे चल के इस परिवार का कितना भारत की राजनीति में योगदान रहेगा वो तो अभी फ्यूचर ही बताएगा।